कुछ अजीब सा कुछ करीब सा ये पहाड़ है मेरे नसीब का, जहाँ कोई कश्मकश नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ ठहराव और सुकून। ऐसा कि मानो थम गया हो सब, ये पानी ये हवा सब, बस बाहें खोल कर महसूस। ये जिंदगी जो तेरी और खुद बे खुद अपना सर झुकाए, बस यही गुजारिश कर रही है कि आ और भर ले मुझे बाहों में, और खुल जा मुझ में ऐसे जैसे शरबत में मिठास, के आ और हो जा फना मुझ में ऐसे जैसे कुछ और है ही नहीं, जो है सब यही है और कहीं नहीं है। हाय, कभी कभी ऐसे लगता है अगर हर एक चीज टाइम पर हो जाए तो सोचो ना जिंदगी कितनी आसान बन जाएगी। बाय द वे, आई एम आरिफ शेख एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। फाइनली 5 महीने के बाद ये माउंटेन में आने का मौका मिला है। काम, फैमिली, हर रोज की भाग दौड़ी, वो हर एक चीज को पीछे छोड़ के मैं आज माउंटेन की तरफ आ गया हूँ। और मेरे साथ है रोहन। अगर रोहन के बारे में अगर कुछ बता दूँ तो घर में कम और माउंटेन में ज्यादा रहने वाला बंदा, वो भी कुछ दिनों से घर पे बैठा हुआ है, वो भी कहीं जा नहीं पाया क्योंकि उसके डैड एक्सपायर होने के बाद वो भी उसकी लाइफ भी स्टक हो गई है, पूरी तरह रुक गई है, पूरी तरह थम गई है। तो काफी दिन के बाद हमारा प्लान बना और हम लोग, मुझे एग्जैक्टली जगह नहीं पता, ये आपको रोहन बताएगा इस जगह के बारे में। अपन आलो एक कलावंतीनी या बुर्जावरती, म्हणजे कलावंतीनीचा जो बेस विलेज आहे तिथे आलो आहे आपण। तिकडे दिसत असेल तुम्हाला हा आहे प्रबळगड, आणि त्या साईडला दिसत असेल तो आहे कलावंतीनी। तर आपल्याला आज कलावंतीनीसाठी जायचं आहे। तो बेस पॉइंट से हमें लगभग 1 घंटा हुआ है ऊपर आने के लिए, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। रोहन से पूछते और कितना टाइम लगेगा रोहन। अरे अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो सिर्फ बेस है, अभी ऊपर चढ़ना है तो तभी लगभग कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा जिस स्पीड से हम जा रहे हैं 2 घंटा मैक्स लग सकता है। फिर भी बेस में जब तक कलावंतीनी का बेस है उधर से 1 घंटा, मतलब टोटल 3 घंटा और 3 घंटा लग सकता है। ओके, लेट्स गो। और कितना टाइम लगेगा? 1.5-2 घंटे। अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थक गया भाई। गिव अप और नॉट? नॉट। थैंक यू अरुण भाई, जरूरत थी इसकी, बहुत जरूरत है। हाँ, सुकून। 5 रुपए का टो ओवर एक्टिंग की सुकून। नहीं भाई, ये सुकून है भाई। तो अगर कोई ट्रेक पे यहाँ पे आ जाए तो वीकडेज में आ जाए तो पानी की बोतल जरूर रखना, लेकिन हम लोग संडे आ गए इसलिए दुकान हमें चालू मिला, इसलिए हमें नींबू सोडा मिल गया। अगर आप वीकडेज में आते हैं तो पानी की बोतल पक्का अपने साथ रख लेना। अगर ये कोई साथ में लाता है तो अपनी
साथ लेकर जाए। ओके अगर ट्रैक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पे मत ना आ जाए। हाय हेजावर कलावंती। हेलो पढ़ते रहो। शुरू शुरू में तो पहाड़ चढ़ने की थकान को जोश ने संभाल लिया था, लेकिन जैसे आगे बढ़ने लगे जोश ने भी अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की ताजी हवाएं, खूबसूरत हरियाली, नीचे दिखते हुए छोटे छोटे घर, ऊपर बादल से भरा हुआ खूबसूरत नीला आसमान, जैसे मानो मैं जन्नत में आ गया हूँ। क्या हुआ? अरे वो रुमाल गिर गया मेरा। ओ ठीक है, मैं देखता हूँ नीचे। ओके ठीक है, जल्दी आ जा। 5-10 मिनट या 3 किलोमीटर आई थिंक 10-15 मिनट्स। गो एंड कम फास्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी डिप्रेशन में हो, कोई भी आपके दिल की बात अगर कोई बता ना पा रहा हो किसी को, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन आपके लिए ट्रैवलिंग है। तो आप लोग कहीं भी जा सकते हैं आपकी मनपसंद जगह पे, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। खत्म जैसा आपल्याला वातावरण पाहिजे होतं एक्झॅक्ट तसं म्हणजे नाही आहे, बट तिकडे बघत असे देवाले नाही यार, लेकिन धूपी लग रही है, गरम इतना हो रहा है, पसीना इतना निकल रहा है और बारिश भी आ रही है। विषय कसा आहे माहिती का? हां, कलावंतीनाला जायचं असेल तर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यामध्ये जास्त जातात, त्याचं रिझन हे ओके, यू मीन थंडी? हां थंडी। ओके, तर त्याचं रिझन असं आहे की हे जे ढग दिसते ना डोंगरावरती, ते नसाय पाहिजे कलावंतीनेवर चढताना, कारण की ऑलरेडी रिस्की आहे चढताना। दुसरं म्हणजे वर चढल्यानंतर खाली फक्त धुकं दिसतं, तर वर चढण्यात काही अर्थ नाही। लेकिन ये रिस्की लग रहा है यार, रिस्की है, बहुत रिस्की है। पहुंच गए भाई, हापन हापे में पहुंच गए, अभी आधी मंजिल बाकी है। रास्ता देख रहे हैं आप, इसलिए इस ट्रैक को हार्ड ट्रैक कहा जाता है।
हमारा सफर जारी है। अरे भाई तो हमें और एक जगह मिली है, चले एक नई जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए। एक सेकेंड आ जाइए, एक सेकेंड हाथ दे दो मुझे, कैमरा कैमरा लो। कमान आ जाइए भाई, आ जाओ पकड़ लो ये ब्रो। ओके चलो मैं आगे जा रहा हूँ, देखते क्या है सीन। ओ माय गॉड मजा आ रहा है दोस्तों, और आगे धीरे 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 भाई लेकिन कोई डेंजरस नहीं ना, देखेंगे। अपनी लाइट ऑन करो। हाँ मोबाइल लाइट। This is very dangerous. We are exploding. Oh my God, ये turn हो रही है brother. One second. आ जाओ. One second. हाँ. कहाँ पे जा रहा है रास्ता है? आगे की तरफ है. देखते क्या है. वो आगे अंदर भाई. भाई 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 कुछ भी रह सकता है भाई. भाई कुछ नहीं है. नहीं भाई. भाई गुफा है अंदर. नहीं भाई danger कहाँ है? अरे गुफा है. अरे कुछ भी लेकिन कोई जानवर भी मर गया तो? अभी देखेंगे वो. एक second. क्या है? बैट से भाई बैट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कुछ था क्या अंदर? एक्चुअली मुझे बैट्स दिखे वहां पे, तो कोई भी चुभने वाली चीज से तो मैं बहुत डरता हूँ। अरे मैं तो आपके आने भी डर गया। तो हम भाग गए भाई। नहीं कभी कभी एक्सपेरिमेंट गलत भी हो सकता है। भाई 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 संभाल के ब्रो। जैसे शुरुआत हुई उससे कई गुना ऊपर हार्ट ट्रैक लग रहा है। अब थोड़ा और बाकी है जैसे आप देख रहे हैं। जब एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था फॉर द दिसंबर दिसंबर और जैन में कि लाना जाने वाला हो तो हिमाचल में, हिमाचल में तो पुणे से मैं वीडियो देख रहा था और भाई का वीडियो सबसे पहला है तो मैं चेक कर रहा था। तो अभी ऐसा लग रहा है जो फोन में देखा वो साक्षात सामने आ गए। क्या बात है ब्रो, थैंक यू ब्रो। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की मिली कि है भाई कोई तो है जो अपने वीडियो देख रहा है। तो और थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा और थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और थोड़े अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाना पड़ेगा। तो चलो कोशिश करते हैं कुछ अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने की। यस भाई ऐसा बहुत मुश्किल से होता है जो देखते हैं फोन में वो सामने आता है। एक्चुअली मुझे भी बहुत खुशी हो गई कि कोई ऐसा मिला है जो मुझे मेरे चैनल देखता था और एक अनजानी जगह पे एक अनजाना आदमी मुझे मिला है जो मुझे पहचानता है अच्छी तरह से। तो काफी खुशी हो गई। अरे ओए भाई स्लोली, जान है तो जहान है, चला जाओ। मित्रांनो स्वप्न जसं अस्तित्वात खरं आल्या तो अनुभव येतो तो आज मला येतोय। पूरी तरह गई है लेकिन जितने भी मैंने पहले वीडियो देखे थे कलावंती के
पूरे वीडियो मतलब जितने भी देखे उससे कहीं कहीं ज़्यादा इतना हार्ड ट्रैक मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन खुशी इतनी मिल रही है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये ट्रैक पूरा किया है। थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है। बस कुछ दूरी पर हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। तो अब सबसे डेंजर वाला मोड पता यहाँ ऊपर आकर मैंने क्या पाया है, लेकिन इतना जरूर मैं बता सकता हूँ कि मैं जब घर जाऊँगा तब रात में चैन की नींद जरूर सो जाऊँगा। मेरे लिए तो यही सुकून है। ये कभी देखा है? ये इसका लेगा शूट, वो उसका लेगा, मतलब शूट सब सबके लेंगे, सब करना पड़ता है। हाँ, सब सबके लेंगे शूट की बात कर रहे हैं। इंसान मत बनो भाई, शैतान मत बनो। ये तो वेव राजे भी है, आज भी कितने चंपा, कट करूँ क्या?